वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ में काफ़ी अच्छा रिव्यू शेयर कर रही हूँ। ये गर्ल्स के लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है वीडियो, तो टीनेज हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है ये वीडियो देखना, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। तो गर्ल्स के लिए ये वीडियो होने वाला है काफ़ी अच्छा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। तो मैं पीरियड्स के बारे में बात कर रही हूँ। तो मैंने सोचा काफ़ी ज़्यादा गर्ल्स होती हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है स्कूल टाइम में जब उनका पीरियड स्टार्ट होता है काफ़ी अच्छा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप 12 एज में आ रहे हो तो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी मम्मा से पूछ सकते हो या फिर आप किसी भी अपनी दीदी वगैरह से पूछ सकते हैं। मतलब कि आप अपनी मम्मी से नहीं पूछ सकते या फिर अपनी अपनी बहन से कज़न से किसी से पूछ नहीं सकते। तो मैं आपको इसलिए बताने जा रही हूँ कि काफ़ी ज़्यादा फेस करनी पड़ती है प्रॉब्लम, और स्कूल में जिनके भी पीरियड्स आते हैं उनको तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अगर 12 एज में आ चुके हो तो आपको पैड अपने पास में रखना भी पता नहीं है कि आपके जो पीरियड्स है वो कब आपको स्टार्ट हो जाए। तो अगर जब भी आपके पीरियड स्टार्ट होते तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि आपको पता नहीं रहता है कि अब आपको क्या करना है। तो आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी, ये एकदम नॉर्मल है। आपको मैं बता दूं कि काफ़ी गर्ल्स जो होती है वो क्लोथ्स का यूज़ करती हैं, तो क्लोथ्स यूज़ करना हमारे लिए जो हाइजीन होती है उसके लिए अच्छा नहीं होता है क्लोथ्स यूज़ करना। साथ ही साथ में इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा नहीं होता। इन्वायरमेंट के लिए तो पैड्स भी यूज़ करना अच्छा नहीं होता, क्योंकि लोग जगह जगह पैड्स को फेंक देते हैं, तो वो भी काफ़ी गंदा होता है इन्वायरमेंट के लिए। पर आपको क्लोथ्स आप यूज़ करोगे तो वो आपके बॉडी के लिए सेफ़ नहीं है, तो आपको यूज़ करना चाहिए पैड। तो मैं आपको बता देती हूँ कि काफ़ी सारी गर्ल्स कन्फ्यूज़न में ये रहती है कि आजकल मेस्ट्रुअल कप चल गए हैं, तो मैं दिखा देती हूँ आपको यहाँ पे जो मेस्ट्रुअल कप चल गए हैं या फिर टैम्पोन्स चल गए हैं। तो मैं आपको बता दूँ आपको ये यूज़ नहीं करने, मैं आपको क्लियर बोल रही हूँ कि आपको टैम्पोन और मेस्ट्रुअल कप यूज़ नहीं करने हैं पीरियड्स टाइम में। अगर आप मैरिड हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, मैं क्लियर कर रही हूँ मैरिड हो तो यूज़ कर सकते हो, नहीं तो आपको नॉर्मल यूज़ नहीं करना है। क्योंकि जो टीनेजर्स होते हैं उनकी जो वजाइना होती है वो डेलिकेट होती है, सॉफ्ट होती है, तो इसलिए उनको यूज़ नहीं करना है। काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होता है वो यूज़ करना, तो आपको यूज़ नहीं करनी है वो। आप मैरिड होने के बाद उसको यूज़ कर सकते हैं। आपको सबसे ज़्यादा बेस्ट है आपके लिए पैड यूज़ करना, तो पैड सबके लिए काफ़ी ईजी है यूज़ करना। तो जो 12 की एज में एंटर हो चुके हैं वो भी अपने साथ एक पैड कैरी ज़रूर कीजिए बैग में। अब स्कूल जाते हो तो आपको एक बैग में पैड कैरी करना है, क्योंकि आपको नहीं पता है कि आपके पीरियड स्टार्ट कब हो जाएंगे। तो आप अगर आपके स्कूल में आ जाएंगे पीरियड फर्स्ट टाइम पीरियड स्कूल में आ जाएंगे तो आप ज़्यादा बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाओगे, किसी को बताओगे नहीं, तो इसलिए आपके कपड़े जो हैं वो ख़राब होने का डर रहता है। तो इसलिए आपको अपनी मम्मा से बोल के आपको पैड लेके आने हैं, और एक पैड आपको रखना है अपने बैग में, स्कूल बैग में आप रख सकते हैं, कोई कुछ मना नहीं करेगा पैड के लिए। स्कूल में पैड आप लेके जा सकते हो, कॉलेज गोइंग गर्ल्स को तो सब कुछ पता रहता है, लेकिन स्कूल गर्ल्स जिनके फर्स्ट टाइम स्टार्ट हो रहे हैं पीरियड्स उनको नहीं पता रहता है, तो उनको काफ़ी ज़्यादा हाइजीन की ज़रूरत होती है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपको क्या क्या करना चाहिए पीरियड्स के टाइम। तो आपको जब पीरियड्स होते हैं तो आपको सबसे पहले पैड यूज़ करना है, तो आपको क्लीन आपकी जो पैंटी है वो यूज़ करनी है। आपको नॉर्मल डे में जो पैंटी पहनते हो वो यूज़ नहीं करनी है, आपको नई जो न्यू पैंटी होती है वो कैरी करनी होती है। पहले के टाइम पे नॉर्मल पैंटी आप पहनते हो, लेकिन पीरियड टाइम में आपको वी शेप वाली पैंटी पहननी है, तो उसमें आप पैड कैरी कर सकते हो। तो अभी मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगी कि आपको कैसे पैड को पैंटी में अप्लाई करना है। तो उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आपको क्या 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 करना होता है। तो आपको जब भी आप पीरियड्स में पैड चेंज करते हो तो आपको वजाइना क्लीन करनी है। आप ठंडे पानी से क्लीन कर सकते हो, आपको
क्लीन ज़रूर करनी है। आप बार बार जितनी बार भी पी करने जाते हो तो भी आपको बार बार वॉश करना है आपका वजाइनल एरिया, आपको नहाना ज़रूरी है। कोई कोई होता है कि जिनको पीरियड्स होते हैं तो वो नहाते नहीं है, क्यों नहीं नहाते मुझे नहीं पता, लेकिन अपने हाइजीन में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। आपको पीरियड्स में पी करते टाइम वॉश करनी है वजाइना को, आपको बार बार जब भी पैड चेंज करते हो तो भी वॉश करनी है आपको वजाइना को, और आप बार बार में जाके वॉश करना है अपने वजाइनल एरिया को। पीरियड्स टाइम में आप पैड यूज़ करते हैं, 3 घंटे से ज़्यादा पैड यूज़ मत कीजिए, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जम्स हो जाएंगे और आपकी जो वजाइनल है वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, इचिंगनेस की प्रॉब्लम हो जाएगी आपको, आपकी वजाइनल एरिया में इन्फेक्शन होने का डर है, तो इसलिए आप 3 घंटे बाद पैड चेंज कर लेना अपना, तो काफ़ी आपकी हेल्थ भी काफ़ी अच्छी रहेगी उससे। तो आपको पैड, अगर आप फेंकते हो पैड तो आप डायरेक्ट पैड को डस्टबिन में या कहीं पे भी ऐसे ही मत फेंकना। सबसे पहले पॉली बैग आता है, उस पॉली बैग में आपको पैड डालना है, पैड डाल के उस पॉली बैग में न्यूज़पेपर में उस पॉली बैग को डाल देना है, पॉली बैग को, और एक पॉलीथीन में डाल के उसको में गांठ लगा के उसको फेंकना है, थ्रो करना है डस्टबिन में, या फिर आप जहाँ पे भी कहीं पे भी करते हो तो आपको इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखना है। वॉशरूम में फ्लश मत कर देना अपने पैड को, तो वो जो आपका वॉशरूम जो है वो ब्लॉक हो जाएगा, तो पैड उसको सोक पैड को वो फ्लश आउट नहीं कर पाएगा, तो इसको इसलिए आपको बाहर ही उसको डस्टबिन में ही थ्रो करना है। ऐसे वैसे कहीं भी किसी भी जगह पे आपको थ्रो नहीं करना है, और आपको न्यूज़पेपर में पैक करके ही उसको थ्रो करना है, ऐसे थ्रो नहीं करना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अगर आप कहीं पे भी थ्रो करते हो तो डॉगीज़ होते हैं वो उसको इधर उधर कर देते हैं, तो उससे आपकी उनकी बॉडी के लिए भी हार्मफुल है, साथ ही साथ में आपके लिए भी काफ़ी बेकार है। तो आपकी जो ये चीज़ें होती है इसको आपको बहुत ज़्यादा संभाल के रखना होता है, तो आप इधर उधर उनको नहीं फेंक सकते, तो आपके हेल्थ से भी, कि आप अगर टीनेज हो तो आपको कौन सा पैड यूज़ करना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा हैवी फ्लो हो रहा है, मतलब कि आपको सहन नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा हैवी फ्लो हो रहा है आपको, तो आप ये वाला पैड यूज़ कर सकते हैं। तो ये वाला पैड मैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ करती हूँ, सकते हैं ये विस्पर अल्ट्रा वाला है, ये काफ़ी बड़ा वाला पैक है, तो आप इसको यूज़ करके देख सकते हैं, तो मैं आपको दिखा देती हूँ, इसके बारे में फुल डिटेल आपको दे देती हूँ। आप छोटा पैक भी यूज़ कर सकते हो, जिसमें 8 पैड आते हैं, 8 पैड आते हैं, तो वो वाला आपको छोटे कम प्राइस का मिल जाएगा, तो आप उसको ट्राई करके देख सकते हैं। पर जो पैड होते हैं वो इनकी जो सोखने की क्षमता होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, मतलब काफ़ी मुझे काफ़ी ज़्यादा हैवी फ्लो होता है, मुझे फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे काफ़ी ज़्यादा हैवी फ्लो होता है, जिनमें मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखते हैं ये, तो मुझे विस्पर वाले जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि इनकी जो टॉप शीट होती है, इनकी वो काफ़ी थिन होती है, काफ़ी पतली होती है, आपको फील नहीं होगा कि आपने कुछ अप्लाई कर रखा है, तो काफ़ी अच्छा आपके लिए है ये। तो मैं आपको इसको अंदर से दिखा देती हूँ, पहले इसकी पूरी डिटेलिंग, अगर आपको काफ़ी ज़्यादा हैवी फ्लो होता है तो आप MM वाला देख के लेके आ सकते हैं, मतलब ये जो है ये 317 mm का है, मतलब काफ़ी लंबा है, तो अगर आपके हैवी फ्लो होता है तो आपको लंबे वाले चाहिए होंगे। फ्लो अगर ज़्यादा होता है तो आपको लॉन्ग लास्टिंग वाला एक्सल लेना चाहिए, और अगर आपके कम फ्लो होता है तो आपको नॉर्मल आपके चल जाएगा, तो आप अपने फ्लो के हिसाब से लेके आ सकते हैं। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पीरियड्स होते हैं तो मैं क्या है कि बड़े वाले डबल एक्सल ही यूज़ करती हूँ, मेरे छोटी से काम नहीं चलता है तो मुझे बड़ा ही यूज़ करना पड़ता है। तो ये जो है ये काफ़ी बड़ा है, ये फुल साइज़ का है, सबसे लार्ज है, एक्सेल प्लस है, ये देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेल प्लस है ये। तो ये जो पैकेट है मैं इसकी पूरी फुल डिटेल आपको बता देती हूँ कि ये कितने का है। तो इसकी जो प्राइस है, वैसे तो इस पर 760 rupees लिख रही है, पर ये 599 का 600 rupees का आ गया है। और इसमें कितने पैड हैं, इसमें 60 पैड है, 60 पैड हैं, तो 60 पैड आपके 600 rupees के आपको मिल जाएंगे। और इसकी जो शेल्फ़ लाइफ है वो 2 साल की शेल्फ लाइफ है, मतलब 2 साल ये आपके एक्सपायर नहीं होंगे। अगर आपके फ्लो जैसे
फ्लो के हिसाब से अगर आपके वन वन पीरियड्स में भी, एक बार के पीरियड्स में 8 पैड भी अगर आप यूज़ करते हो तो ये काफ़ी टाइम तक आपके चल जाएगा 60 पैड वाला। तो मैंने इसमें से यूज़ कर रखे हैं, तो मैं आपको इसको अंदर से दिखा देती हूँ एक पैड, तो आपको पता चल जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये जो है ये पॉली बैग है इसका, तो पॉली बैग में आपको ये मिल जाएगा और ये ग्रीन कलर का आता है। और ये अलग अलग इसकी हमेशा जो पॉली बैग है, पैकेट है, ये चेंज हो जाता है। मैं जब भी इसको बाय करती हूँ तो ये हमेशा अलग ही मिलता है मुझे पैड, और ये हमेशा ये पतला पतला करता करते जा रहे हैं इसको। बहुत पहले काफ़ी मोटा आता था, लेकिन अब देख सकते हैं आप ये कितना पतला हो चुका है। लेकिन इसमें सोखने की जो क्षमता है वो सेम है, स्टिल अभी तक ये पतला कर रहे हैं, क्वालिटी अच्छी कर रहे हैं इसकी, लेकिन ये पतला कर रहे हैं, तो जिससे कि आपको फील नहीं होगा कि आपने कुछ अप्लाई कर रखा है, तो इसलिए ये पतला करते जा रहे हैं। पर ये सोख लेगा, काफ़ी अच्छे से सोख लेगा, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है विस्पर की ये। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, तो आपको कैसे इसको ओपन करना है। तो यहाँ पे आपको एक टेप मिलेगी, तो आप टेप को इसको ओपन कर सकते हैं, तो आप इसको ऐसे करके पूरा ओपन कर सकते हैं। तो ये मैंने ओपन कर दिया है, आप देख सकते हैं कितना लार्ज है, काफ़ी बड़ा है। तो ये आपके फुल लेंथ है, ये जो साइज़ आता है ये सबसे बड़ी साइज़ है, तो आपके ज़्यादा हैवी फ्लो होता है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। और आप देख सकते हो कितना पतला पैड है, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कुछ लगा रखा है, ये देख सकते हैं आप। तो ये अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपको इसको अप्लाई कैसे करना है। जो आपकी पैंटी है उस पर आपको ऐसे अप्लाई करना है, जो आपके पैंटी का बीच वाला साइड है, बीच वाली जो जगह है उसमें आपको ये ऐसे, ये यहाँ से आपके पैंटी में चिपक जाएगा, तो आप इसको पूरा चिपका देना अच्छे से पैंटी में। उसके बाद में ये जो टेप दिख रही है आपको यहाँ पे, तो आप इस टेप को हटा सकते हैं, ऐसे हटा दी है ये टेप। और ये जो आप देख रहे हैं विंग्स, जो ये साइड के विंग्स हैं आप देख सकते हैं ये, तो इसमें तो ये चिप, आप इसको पैंटी के जो साइड वाली जगह होती है उसको फोल्ड करके आप इसको ऐसे चिपका सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ऐसे आप चिपका सकते हैं जिससे कि ये दोनों जो है विंग्स, ये आपके ऐसे नीचे पैंटी की तरफ चिपक जाएंगे, और जिससे कि ये जो पैड है आपका, तो आप देख सकते हैं जो पैड है आपका फुल, इसमें आपको काफ़ी अच्छा सोख लेगा ये, काफ़ी टाइम तक सोख लेगा ये। आपके अगर हैवी फ्लो हो रहा है तो उसमें भी आपके ये चल जाएगा। तो ये जो देख रहे हैं आप ये ब्लू ब्लू सा, तो ये आपको बिल्कुल पैंटी के बीच वाले हिस्से में रखना है बिल्कुल। और ये यहाँ पे जब आपके पीरियड्स गिरेगा तो ये सोख लेगा आराम से। तो आपको ये जो विंग्स है इसको अच्छे से फोल्ड करके पैंटी के पीछे चिपका लेना है इसको अच्छे से, कि ये आपके आराम से आपके दो तीन घंटे तक तो चल ही जाएगा। जिनकी हैवी फ्लो होता है उनके आराम से चल जाएगा, जिनके नॉर्मल फ्लो होता है वो तो पूरे दिन यूज़ करके कर सकते हैं इसको। पर मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप 3 घंटे से ज़्यादा अपने पैड को ना रखें, तो वो क्या होता है कि हम जब भी ज़्यादा टाइम तक यूज़ करते हैं तो हमारी जो वजाइना होती है उसमें इन्फेक्शन होने का डर रहता है। तो इसलिए आपको ज़्यादा देर तक यूज़ नहीं करना पैड, और आप इन्वायरमेंट का ध्यान रखते हुए सेफ जगह पे इसको थ्रो कीजिए। आप ऐसे ही कहीं पे भी थ्रो मत कीजिए, क्योंकि काफ़ी सारे डॉग वगैरह होते हैं, कैट वगैरह खा जाते हैं, मुँह में ले लेते हैं, काउ जो होती है, गाय होती है वो भी मुँह में ले जाती है। तो इसलिए आपको ऐसी जगह थ्रो करना है जहाँ पे आप, जैसे कि काफ़ी सारी गाड़ी आने लग गई है आप, तो नगर निगम की जो कचरे वाली, तो उसमें भी आप फेंक सकते हो, डस्टबिन में रख लीजिए, रखने के बाद में आप उसमें थ्रो कर सकते हो, तो वो सही रहेगा। तो आपको ऐसे इसको अच्छे से न्यूज़पेपर में फोल्ड करके ही फेंकना है। और आप इसको हमेशा कैरी कीजिए बैग में, अपने बैग में कैरी कीजिए, आप कहीं पर भी जा रहे हो तो भी आप कैरी कीजिए। क्या होता है कि कोई कोई गर्ल्स होती है उनको ध्यान नहीं रहता है कि उनकी पीरियड्स डेट क्या थी और उनके पीरियड्स कब आएंगे, तो इसलिए आपको कैरी ज़रूर करना चाहिए। जिनको याद रहता है वो भी कैरी कीजिए, क्योंकि पता नहीं है कि मुझे हमेशा ध्यान रहती है मेरी पीरियड्स डेट, तो मैं उस हिसाब से अपने पास में कैरी करके रखती हूँ, तो इसलिए आपको कैरी करना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मैं आपके साथ में और भी पैड का बड़ा शेयर है, पैड का पैकेट, तो ये आपके काफ़ी टाइम तक चल जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मैं और भी पैड का वीडियो आपके साथ में शेयर करूँगी, और साथ ही साथ मैं अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो मैं आपको काफ़ी सारे पैड का है वो आपको पूरे दिखाऊँगी प्रोसेस, उस पर लिक्विड डाल के अगर आप
कमेंट करके बोलेंगे मुझे, तो मैं लिक्विड डाल के उस पर दिखाऊंगी कि कौन सा पैड सबसे अच्छा है आपके लिए, तो कौन सा पैड ज़्यादा सोखता है, तो वो भी मैं वीडियो आपके साथ में शेयर कर दूंगी। तो आप मुझे कमेंट में जाके बोल सकते हैं। तो गर्ल्स प्लीज़ आप अपने बैग में एक पैड कैरी करके जरूर, जिससे कि आपको फेस ना करनी पड़े कोई भी प्रॉब्लम, क्योंकि कोई कोई लोग होते हैं ऐसे कि वो मजाक उड़ाने लग जाते हैं, वो उनको समझ नहीं आता है कि कोई पेन में है, वो मजाक उड़ाते हैं, वो देखते रहते हैं, वो गंदे गंदे कमेंट करते हैं। तो इससे बढ़िया है कि आप अपने आप अपनी सेफ्टी खुद से करके रखिए, अपने बैग में एक पैड ज़रूर रखिए, जिससे कि आपको प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। जैसे कि आपके पीरियड्स आए, आपको पता लगे, आप फटाफट से कहीं भी वॉशरूम देख के फटाफट से जाके पैड अप्लाई कर सकते हैं। तो पैड ज़रूर रखिए अपने बैग में। तो अगर आप टीनेजर हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, ज़रूर आप अपने स्कूल बैग में एक पैड ज़रूर रखिए, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। जिनको स्कर्ट होती है जिनके स्कूल में, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैं आपको पहले से ही बता रही हूँ प्रॉब्लम फेस ना करें। तो इसलिए आप पैड यूज़ ज़रूर कीजिए, पैड अपने बैग में ज़रूर रखिए, जिससे कि अगर आपको नहीं हो रहा तो अगर आपके किसी फ्रेंड को हो गया अचानक, तो आप उनको दे सकते हो, उनकी हेल्प कर सकते हो। तो हेल्प भी करनी ज़्यादा अच्छी बात होती है, तो हेल्प कर सकते हो, उसको दे सकते हो अपना पैड, कि उसके अगर किसी के आपके फ्रेंड के आ गया है पीरियड्स, तो वो भी पैनिक हो जाएगी, तो आप उसको पकड़ा सकते हो कि ये पैड आप तू यूज़ कर सकते हो। मेरे चैनल का वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय। अगर आपको मेरे चैनल का वीडियो अच्छा लगे तो इसे प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और मुझे कमेंट करके बोल दीजिए, ताकि मैं आपके साथ में और भी पैड का रिव्यू कर सकूं। तो काफ़ी अच्छा पैड है ये, काफ़ी अच्छा है, तो काफ़ी ज़्यादा हैवी फ्लो होता है आपके, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। जिनके नॉर्मल फ्लो होता है उन वो भी मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं, तो मैं उनके लिए भी पैड कर एक वीडियो बना दूंगी, कम जिनके कम फ्लो होता है उनके लिए। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।